हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल का निमतिता अंचल के करीब यहाँ पे नदी के किनारे से जुड़ी हुई तकरीबन 10 या 20 गांव होगा। तो उसमें से धनगरा, कमलपुर, शिवनगर, लोहरपुर ये सब इलाका आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहले जो नदी था ये बहुत दूर पे था, ये देखो ये बहुत दूर पे था। वो देखो वो घर कितना रिक्सी कंडीशन में खड़ा है, तो कभी भी गिर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये कभी भी नदी में बहने का संभावना है। इससे पहले तकरीबन 1000 घर 1000 घर जो है वो नदी पे समा गए। क्योंकि पहले जो गांव था, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको पता होगा। ये देखिए ये जो अभी घर दिख रहा है ना, ये जो घर दिख रहा है यहाँ से, वो देखो वहाँ पे जो एक नाव है छोटा सा, ये देखो ये नदी पहले वहाँ पे था। और धीरे धीरे कटते 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 नदी पूरा यहाँ तक आ गया है। तो आप सोच के देखो क्या परिस्थिति है। ये देखो थोड़ी बहुत काम हुआ है गवर्नमेंट के, उससे जो राज्य सरकार है उन्होंने तकरीबन थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन एक्चुअली ये काम नहीं है। एक्चुअली जो पैसा है ना वो पूरा पानी में फेंका जा रहा है। लेकिन ना तो इससे कोई काम बनता है, क्योंकि जैसे ही पानी बढ़ता है वैसे ही ये सब चीज़ और नहीं टिकता है, फिर वो पानी में ही समा जाता है। तो ये चीज़ अगर पत्थरों से अगर बांध दिया जाता इस चीज़ को, तो मेरे ख्याल से इसकी उसके बाद एक गांव तो नहीं टूटता। क्योंकि वो जो मिट्टी काटती है ना, एक्चुअली जब लहरें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पानी जब भर जाता है पूरा, तब ये मिट्टी काटना चालू होता है। देखो जैसे कि पहले ये सब ऐसा नहीं था। तो कितना दूर तक